और हितेश कुमार व्यास का नमस्कार। तो आज की हम फेसबुक लाइव बातचीत में हमारे साथ हैं श्री अनुराग मुद्गल, जो कि अजीम प्रेमजी स्कूल सिरोही में कार्यरत हैं। तो अनुराग जी, आज की इस फेसबुक लाइव चर्चा में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी जन सरोकार के सभी सदस्यों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि मुझे ये मौका दिया, और हम ज़रूर शिक्षा के अलग अलग आयामों पे आज बातचीत करेंगे। तो संक्षिप्त में अनुराग जी का अगर परिचय करें तो अनुराग जी का जन्म राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के बामनवास तहसील के पीपलाई गांव में इनका जन्म हुआ है, और ये बचपन में ही जयपुर में आकर बस गए थे अपने परिवार के साथ। तो उनकी शिक्षा दीक्षा वहीं हुई और इन्होंने BSc BEd किया है, और 15 फरवरी 2015 को इन्होंने अजीम प्रेमजी स्कूल सिरोही ज्वाइन किया है। तो अनुराग जी अपने तर्कशील विचारों, शिक्षा में नवाचारों के लिए जाने जाते हैं। तो आज की हम इस जनसरोकार मंच द्वारा आयोजित वार्ता में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। अनुराग जी, आप शिक्षा में नवाचारों के पक्षधर रहे हैं और हमेशा आपने काफ़ी नवाचार किए भी हैं, और तो आपके इस सफ़र की शुरुआत कैसे हुई, आप किस तरह इस तरफ आपका झुकाव हुआ? तो हितेश जी, शुरुआत तो मैं ऐसा कहते हैं कि ज़्यादातर लोग एजुकेशन सेक्टर में शिक्षक बनने के लिए तब आते हैं जब उनको बाकी के रास्ते थोड़ा कम मिलते हैं। लेकिन जब कॉलेज के समय से ही मेरे मन में शिक्षकों के प्रति एक या शिक्षक बनने के प्रति एक रुचि थी, और कॉलेज के समय से ही मैंने कुछ जगहों पर पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो मैं बाई चॉइस शिक्षक बना हूँ, ना कि कोई और धारणा के आधार पर नहीं। तो मैं चाहता था कि मैं शिक्षक बनूँ, और उसी हिसाब से मैंने ये शिक्षा का रास्ता है वो चुना था। इसके बाद कॉलेज के बाद BEd करना और कुछ प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना। तो जब प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा रहा था तो वहाँ पर हमें कई तरह के इस तरह के चीज़ें देखने को मिल रही थी, जो मन के अंदर एक चीज़ थी कि हाँ, हम इसको किस तरह से ठीक कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति होता है वो एक सिस्टम के अंदर ढलना उसको पड़ता है, तो जब तक पूरा सिस्टम नहीं बदलता है तब तक वो चीज़ों को परिवर्तित करने का प्रयास करता है, लेकिन सफलताएँ उसको बहुत कम मिल पाती है। तो उसी क्रम में मैंने कोशिश की काफ़ी प्राइवेट स्कूलों में भी इस तरह की चीज़ें करने की, लेकिन बाद में लेकिन जहाँ से शुरुआत की जो आप बात कर रहे हैं वो हुई तब मैं एक संविदा के ऊपर जवाहर नवोदय विद्यालय जो चलते हैं उसके अंदर एक साल तक मैं 2012-13 में वहाँ पे मैंने पढ़ाने का काम किया, और वहाँ पर जो प्रिंसिपल थे पीराजी राव और वहाँ के जो स्टाफ था और जो नए नए लोगों से वहाँ मुझे देखने को मिला, और शिक्षा को लेकर एक नई धारणा बनी। एक साल वहाँ पढ़ाने के बाद में मैंने जब वापस एक प्राइवेट स्कूल ज्वाइन किया, वहाँ पे कुछ रिसर्च वर्क भी किए, मैं आपको साथ साझा करना भी चाहूँगा उसको। वहाँ पर मैंने एक कंस्ट्रक्टिविज्म को लेकर, जो विज्ञान के शिक्षण पे ज़्यादा हालांकि उसमें काम हुआ है, और अपने भारत में अभी उस लेवल पर वो दिखाई नहीं देता ज़मीन पर, लेकिन परंपरागत कक्षा शिक्षण और एक संरचनावाद वाला कंस्ट्रक्टिविज्म जो अप्रोच ऑफ टीचिंग है, उन दोनों के बीच मैंने एक कंपेरेटिव स्टडी की थी और उसको पब्लिश भी कराया था। तो वो स्टडी से मैं मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत सारा लिटरेचर मैंने वहाँ पढ़ा, और उस स्टडी के अंदर मैंने देखा कि कैसे कंस्ट्रक्टिव अप्रोच ऑफ टीचिंग जो है वो बच्चों के लर्निंग लेवल्स में एक ड्रामेटिक चेंज लाती है, और उसमें ये भी कहते हैं कि भाई उस तरह की लर्निंग में बच्चे बोर्ड में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, लेकिन हमने बहुत एक सिग्निफिकेंट बोर्ड का रिजल्ट भी वहाँ पर मैंने दिया था। उसके बाद प्राइवेट स्कूल पढ़ाने के बाद मुझे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के, जो अजीम प्रेमजी स्कूल है सिरोही में, वहाँ पे मुझे, इसी स्कूल में आपका साथी हूँ मैं, यहाँ पे मुझे आने का मौका मिला, और यहाँ की जो ट्रेनिंग होती है, यहाँ के जो माहौल है या कल्चर है, उसके बाद जो मुझे मेरा मन का था, जो मैं शिक्षा के क्षेत्र में करना चाहता था, वो सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर की। तो ये एक सफ़र रहा, और आज अजीम प्रेमजी फाउंडेशन एक प्रेरणा है जहाँ से हम नई चीज़ें कर पा रहे हैं, तो निश्चित रूप से आगे का सफ़र अच्छा रहने वाला है। आमतौर पर समाज में धारणा प्रचलित है कि जिनको कोई जॉब नहीं मिल रही है टीचर बन जाओ, टीचर जॉब को बहुत सरल समझा जाता है,
लेकिन आपकी बातचीत से ये लगता है कि टीचर बनना अपने आप में स्वयं को पहले मोटिवेट करना है। मोटिवेटेड अगर होगा तो ही वो कुछ कर पाएगा। परंपरावादी शिक्षण से हटकर कुछ अलग करने का जो जज्बा है अनुराग जी में, उसकी तारीफ तो हमेशा बनती ही है। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अजीम प्रेम जी स्कूल में काम करने आप पिछले 5.5 साल से काम कर रहे हैं, तो अब तक आपका काम करने का क्या अनुभव रहा है इस अजीम प्रेम जी स्कूल में 5.5 साल? मेरा फाउंडेशन के साथ में बहुत ही अच्छा अनुभव है, और सबसे अच्छी बात है कि जिस शिक्षा की बात हम करते हैं, समानता, समता, न्याय आधारित समाज की रचना में शिक्षा के योगदान की जो बात करते हैं, तो बच्चों के साथ जब हम काम करते हैं तो जमीनी स्तर पर उन्हीं सभी परिस्थितियों में जिसमें कोई भी सरकारी शिक्षक हमारे साथी काम करते हैं उसको महसूस करते हुए, और जब हम आगे काम करते हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इस स्कूल में काम करते हुए, और बच्चों के साथ में मैं अनेक तरह के प्रयोग यहाँ कर पाता हूँ, उसकी पूरी आज़ादी होती है, और एक शिक्षक के रूप में बच्चों के साथ सहजता से जुड़ना, मित्रवत व्यवहार करना, और डर से आज़ादी, यानी कि प्राइवेट स्कूलों में मैंने बहुत अच्छे से देखा है नज़दीक से कि बच्चों के किस तरह से कई जगह पे पिटाई भी की जाती है, और डर का माहौल होता है, परीक्षा का भय होता है, ये सारी चीज़ें जो है वो मुझे यहाँ बिल्कुल भी नज़र नहीं आती, और इसलिए मुझे बहुत मज़ा आता है। तो मेरा अनुभव बहुत ही अच्छा रहा है, जो आगे जो हम बातचीत करेंगे तो उसमें भी ये चीज़ें आएंगी कि किस तरह से हमने यहाँ पर अलग अलग तरह के कार्य किए हैं। आप अब तक आपने EVS शिक्षण कराया है और अभी विज्ञान शिक्षण को लेकर आप काम कर रहे हैं, तो एक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप एक विज्ञान शिक्षण को कैसे देखते हैं? आप विज्ञान शिक्षण किस तरह से होना चाहिए आपके दृष्टिकोण से? देखिए, ये बड़ा प्रोस्पेक्टिव को लेकर प्रश्न आपने पूछा है, और किसी भी शिक्षक साथी को या हम सभी को ये समझ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम शिक्षा के उद्देश्यों से विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों को जोड़ते हैं तब जाकर हम समझ पाते हैं कि क्लासरूम एक्टिविटीज़ या रोज़मर्रा की प्रक्रियाओं में विज्ञान में हमें किस तरह से काम करना है। आप देखिए, हमारे संविधान में भी ये है और शिक्षा के उद्देश्यों में भी है, तो बच्चे के अंदर तर्कशीलता का विकास करना, उसके अंदर प्रश्न पूछ सकने की क्षमता विकसित करना, उसके ऑब्जर्वेशंस को शार्प करना, और उसके अंदर एक एनालिसिस पावर विकसित करना, तो एक जनरल ऑब्जेक्टिव्स तो इन पे तो बात होती ही है, लेकिन इसके अलावा एक अवेयरनेस बच्चे के अंदर आ जाना। ख़ास तौर से आप देखेंगे कि हमारे भारतीय समाज में अंधविश्वास, कुप्रथाएं या बहुत सारे मिथक, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा है, और उनकी वजह से पीढ़ी दर पीढ़ी वो लोग एक सिस्टम में बंधे हुए हैं। तो विज्ञान शिक्षण के ऊपर ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है कि वो इन चीज़ों को लेकर भी क्लासरूम कक्षाओं के साथ साथ में काम करता रहे, और उनको कक्षा की जो क्रिया है, प्रक्रिया है, उनको दैनिक जीवन से भी वो जोड़ता रहे। तो विज्ञान शिक्षण में हम यही देखते हैं कि भाई बच्चे का तार्किक क्षमताओं का विकास, उसकी एनालिसिस पावर का विकास, उसको प्रश्न करने की या चीज़ों को एज इट इज स्वीकार करने के विरुद्ध एक प्रवृत्ति उनके बीच में आए, और वो चीज़ों का विश्लेषण कर पाए, और उसके आधार पर डेटाओं का कलेक्शन करके कुछ निष्कर्ष पे वो पहुंच पाए, और अपनी धारणाएं, अपने अनुभवों से, अपने विचारों से वो बना सके। ये सब चीज़ों को मिला करके हम योजनाएं बनाते हैं, और उसके बाद में हम एक विज्ञान शिक्षण को लेकर पूरे रूप में देखते हैं, जिसके साथ में संवेदनशीलता या सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जागरूकता, इन सब चीज़ों का समाहन उन्हीं सब चीज़ों के बीच में होता है। तो मेरा जो अनुभव है वो यही। अब ये सब चीज़ें कैसे होगी, तो उसके लिए जाहिर सी बात है कि जो जनरल परंपरागत चीज़ें चलती हैं, चाहे वो बोर्ड और एक टीचर बोल रहा है और बच्चे सुन रहे हैं, या पुस्तक के माध्यम से, ये सब चीज़ें उसके द्वारा नहीं आ सकती। तो हमें हमारी कक्षाओं का स्वरूप बदलना पड़ेगा। अगर हम मैं जो काम करता हूँ उसमें देखेंगे तो प्राथमिक कक्षाओं में, अच्छी स्कूलों में भी, आज प्राइवेट स्कूलों में भी या अच्छे स्कूलों में भी लैब नहीं मिलती, लेकिन हमने एक लैब बनाया है प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों कक्षाओं के लिए, और उसमें बच्चे खुद से एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद से चीज़ों को इकट्ठा करते हैं, और उनके साथ में
पढ़ाई के साथ साथ में अपने जो भी अनुभव है उनको नोट करते हैं। तो इस तरह के क्लासरूम के अंदर एक खुला वातावरण है, प्रश्न करने का उनको खुल के आज़ादी होती है, वो डिबेट करते हैं। तो इस तरह की कई गतिविधियाँ विज्ञान की कक्षाओं में रहती हैं। आपने विज्ञान शिक्षण के जो ये उद्देश्य बताए, मैं विचार कर रहा था कि जैसे मुख्य उद्देश्य मुझे लगता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के लिए बच्चे तर्कशील और विचारशील होने जरूरी है। तर्कशीलता के लिए प्रश्न पूछना भी आवश्यक है। तो अगर कक्षाओं में खुला माहौल होगा, बच्चे भयमुक्त होंगे, तो वह अपनी बात आसानी से रख पाएंगे और वो हर चीज़ के पीछे कारण ढूंढ पाएंगे, अच्छी तरह से आंकड़ों का विश्लेषण कर पाएंगे, तभी वो किसी निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे। बहुत ही अच्छा आपने विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के बारे में बताया। अब बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। जैसे विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट वर्क होता है, आपने अभी ये भी बताया था कि लेबोरेटरी का होना कितना ज़रूरी है। जब वह बच्चा स्वयं करके कोई चीज़ नहीं देखता है, तब तक उसके अनुभव वास्तविक नहीं होते हैं, तो लेब का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो विज्ञान शिक्षण में प्रोजेक्ट वर्क, प्रायोगिक कार्य को परिवेश से जोड़कर आप कैसे देखते हैं, और अगर ऐसा कोई आपका अनुभव रहा है इस तरह से, तो आप प्लीज़ हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। देखिए, इस तरह के बहुत सारे हमारे मेरे पास अनुभव है। परिवेश से जोड़ने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम प्राथमिक कक्षाओं से ही ये प्रोजेक्ट वर्क, सर्वे या प्रायोगिक कार्य हैं ये शुरू कर देते हैं EVS के रूप में, तीसरी से और चौथी पांचवी के अंदर, और 6th 7th 8th में विज्ञान को लेकर हम काम करते हैं। तो अब देखिए कि हमें विज्ञान पढ़ाना है, मान लीजिए हमें पुष्प की संरचनाएं पढ़ानी है, या बीजों का अंकुरण पढ़ाने हैं, पौधों में जनन पढ़ाना है, कृषि या खेती बाड़ी के बारे में पढ़ाना है, और इस तरह की वनस्पति जैव विविधताओं को पढ़ाना है, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं? इसके लिए एक तरीका तो ये होगा कि हम किताब के अंदर सभी पाठ दे रखे हैं और उनके थ्रू टीचर उनको समझाएगा बोर्ड पे अच्छे से, या कुछ चार्ट TLM का यूज करेगा और बच्चों को बता दिया जाएगा। लेकिन हमने क्या किया, हमारा एक कैंपस हमने डेवलप किया, अगर कभी हमारे स्कूल को हम आप जानते ही हैं, और इसके अंदर कई तरह के पेड़ पौधे हमने लगाए, छोटे पेड़ पौधों से लेकर साग झाड़ी वृक्ष से लेकर बड़े पेड़, 300 400 पेड़ से ज़्यादा आज हमारे कैंपस के अंदर है, और हमने वो बच्चों के थ्रू लगाए और बच्चों को उस पढ़ाई के साथ में जोड़ दिया। तो जब भी हम प्रोजेक्ट देते हैं खेती बाड़ी का, तो बच्चे किचन गार्डन में काम करते हैं, जब भी उनको पौधों में जनन को लेकर कोई चीज़ पढ़नी होती है तो वो पुष्पों की अध्ययन करते हैं, और इस तरह से अलग अलग चीज़ों को वो अपने परिवेश से कर पाते हैं। इसी तरह से परिवेश में हम लोग अलग अलग चीज़ें करते हैं, जैसे शैक्षणिक भ्रमण का भी उसमें प्रावधान रहता है, या अपने गांव और उसके आसपास की चीज़ों को जोड़ लेना। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, गांव के पंचायत है, या गांव के जो भी रिसोर्सेज हैं, गांव का तालाब है, गांव का मंदिर है, ये सब रिसोर्सेज को जोड़ करके हम हमारे शिक्षण में उन कक्षाओं का रूप देते हैं, और उसके बाद बच्चे खुद से जो वो देखते हैं, समझते हैं, चर्चा करते हैं, उसके बाद आधार पर विज्ञान की अवधारणाओं को वो रचते हैं। एक उदाहरण मैं आपके सामने रख सकता हूँ, जैसे अंधविश्वास के ऊपर हमने काम किया, उसके अंदर एक प्रोजेक्ट हमने बच्चों को दिया। बच्चों ने दरअसल कुछ बच्चों के साथ में मेरी चर्चाएं हो रही थी, तो कुछ बच्चों ने जो नए एडमिशन हुए थे हमारे कक्षा के अंदर, उन्होंने एक प्रश्न रख दिया कि रात को भूत से मुझे डर लगा। तो जब इस तरह का प्रश्न आ गया तो हमें मौका मिला कि ठीक है, इस पे हम चर्चा करते हैं। हालांकि हमारे स्कूल के जो पुराने बच्चे थे उन्होंने उस पर काफ़ी सारे तर्क वितर्क रखे, लेकिन क्लास के अंदर एक डिवीज़न पैदा हो गया, क्योंकि कुछ बच्चों के जो पेरेंट्स थे वो कहते हैं कि हाँ, मैंने भूत से लड़ाई की है, या इस तरह की चर्चाएं घर पे अक्सर होती हैं। तो वो भूत है या नहीं है, या भूत ही नहीं, इसके अलावा कई तरह की अंधविश्वास जो प्रचलित है, हमारे कहावतें प्रचलित हैं, मान लो बिल्ली रास्ता काट जाती है तो लोग जाना छोड़ देते हैं, या छींक देते हैं तो रुक रुक जाते हैं, कहते हैं कि उंगली चटकाते हैं तो धन की हानि होती है, कोई बीमार होता है, या यूं कहें कि कहीं इस तरह के भी आ रहे थे कि रात को झाड़ू निकालने से लक्ष्मी नहीं आती है। तो इस तरह के कुछ कुछ चीज़ें वहाँ पर डिबेट के अंदर आ रही थी। तो जिन बच्चों ने ये प्रश्न किया था, मैंने उनको एक प्रोजेक्ट करने के लिए दिया कि आप अपने गांव और अपने परिवार और परिवेश से आप एक सूची बनाइए, एक डेटा संकलन कीजिए कि हमारे आसपास कितने तरह के इस तरह के मिथ प्रचलित हैं। तो उन बच्चों ने
एक पूरी सूची बनाई और करीब 30 से 40 उन्होंने सूचियाँ सूची के अंदर ऐसी मिथ और धारणाएं का एक संकलन कर लिया। अपने बुजुर्गों से पूछा, पड़ोसियों से पूछा, घर में भी पूछा, इवन छिपकली को लेकर, कौए को लेकर और पेड़ों को लेकर, तो बहुत सारे और कुछ तो व्यक्तियों को लेकर भी, सामाजिक लोगों को लेकर भी इस तरह की धारणाएं वहाँ पर आ रही थी। तो ये चीज़ों को लेकर जब उन्होंने सूची बनाई और उनमें से जब हमने उनका प्रस्तुतिकरण कराया तो बहुत सारी चीज़ें तो बच्चे खुद ही बोलने लगे कि ये तो मैंने करके देखा है, मेरे साथ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और जब उनको उन्होंने संकलन किया, उन पर चर्चाएँ की, तो उनका जो पहले का विचार था वो एकदम से इसी कार्य के दौरान, इस प्रक्रिया के दौरान ही परिवर्तित हो गया। और जब उन्होंने अपना प्रस्तुतिकरण दिया तो अपनी जो पहले की धारणाएं थी उनको उन्होंने बदल चुके थे। अब इसमें मेरा योगदान कोई लेक्चर देने का बिल्कुल नहीं रहा, उनको एक प्रक्रिया दी और उसमें उन्होंने ये अपना लर्निंग है वो लिया, ये एक कौशल अपना विकसित किया। आपने जो ये अनुभव सुनाया है मुझे सोचते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही थी, क्योंकि मैंने आपकी कक्षाओं का वो अवलोकन किया था, तो मैंने आपकी दो तीन कक्षाओं को जब देखा था, इन मुद्दों पर आप जब चर्चा कर रहे थे, जब मैंने फर्स्ट क्लास को देखा तो बच्चों का ऐसे बहुत कम बच्चे थे जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाली बातें रख रहे थे, वो सारे अंधविश्वास को प्रमोट कर रहे थे, नहीं हमारे तो परिवार में ऐसा माना जाता है, समाज में ऐसा माना जाता है। लेकिन आपके डिस्कस के चार पाँच चौथी पाँचवीं क्लास के बाद जब मैं उसका ऑब्जर्व किया तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि लगभग सारे बच्चे कुछ तथ्यों के साथ आए थे और वो कन्विंस हो गए थे कि भाई ये चीज़ें व्यर्थ है, मतलब इस तरह का अंधविश्वास समाज में नहीं होना चाहिए। अंधविश्वास को लेकर ही मैं कुछ प्रश्न आपको पूछना चाहूँगा। मुझे याद है शायद 2015 के शुरुआत में ही होगा, जब टोंक से हमारे स्कूल में कोई एक प्रधानाचार्य जी आए थे, उन्होंने कुछ अंधविश्वास को लेकर कुछ किया था, आपको याद हो तो क्या आप उनके अनुभव साझा कर पाएंगे? हाँ बिल्कुल, देखिए एक शिक्षक के रूप में अवसरों को उपयोग करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ हो जाती है। मुझे याद है एक बार हमारे यहाँ विजय पताका के अंदर अजीम प्रेमजी फाउंडेशन का ही एक लार्ज स्केल कैंप चलते हैं, तो वहाँ पर एक शिक्षक आए थे और वो समाज में व्याप्त जो चमत्कार होते हैं, मान लो नारियल के अंदर सोडियम डाल के वो आग लगाना, या इस तरह के बहुत सारे जो अंधविश्वास व्याप्त है जिनसे लोग समाज के अंदर लोगों को पागल बना देते हैं और उनको लूटते हैं, तो उनको लेकर वो कुछ उन्होंने सरकारी शिक्षकों के सामने कुछ प्रस्तुति दी थी। उस समय पर मैंने नया ही स्कूल ज्वाइन किया था, तो वहाँ पर जब मुझे पता चला तो मैं उनसे जाकर बातचीत करी और उनको हमारे स्कूल के अंदर भी हम लेकर आए और पूरे समुदाय को भी हमने बुलाया। वहाँ पेरेंट्स भी काफ़ी संख्या में आए, आप जानते हैं हमारे यहाँ पर समाज के अंदर ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा व्याप्त हैं, बच्चे भी वहाँ पर थे और उनको मैंने रिक्वेस्ट किया और वो तैयार भी हो गए, हमारे स्कूल के अंदर वो आए और हमने एक पूरा इससे पहले बच्चों के साथ में एक पूरी तैयारी की कि हम किस चीज़ पे काम करने वाले हैं, किस तरह के सवाल हमारे हो सकते हैं, क्या हम उससे सीखेंगे, ये सब तैयारी के बाद में उन्होंने एक समूह में हमको प्रस्तुति दी और उसके बाद उसी से जुड़ी हुई चीज़ें बच्चों के साथ कक्षाओं में भी बातचीत की। तो ये चीज़ें भी होती है कि आप सब कुछ शिक्षक ही जानता है, वही सब कुछ बता देगा, ये संभव नहीं होता है। हमारे समाज में भी काफ़ी लोग हैं जब वो आकर बच्चों के साथ में बात करते हैं और क्योंकि वो एक्सपर्ट होते हैं उन चीज़ों का, तो स्कूल को उनके साथ जोड़ करके काम करना भी ज़रूरी हो जाता है और उससे भी बच्चों के अंदर बहुत अच्छी लर्निंग बनती है। इसी से जुड़ता हुआ मुझे एक प्रश्न याद आ रहा है कि मैंने प्राय देखा है कि आप जब कक्षाओं में कुछ चैप्टर विशेष पर काम करते हैं तो आप समुदाय के लोगों को भी इसमें इंगेज करते हैं, जैसे कभी किसान आ गए, कभी कोई दर्जी आ गया, ऐसे अन्य व्यवसाय वाले लोगों को भी आप अपने कक्षाओं में अपने जोड़ते हैं, तो इनको समुदाय के जो रिसोर्स है उनको कक्षा में प्रयोग करने से बच्चों की लर्निंग पर आप क्या प्रभाव देखते हैं? हितेश जी, इसमें मेरा बिल्कुल कंसेप्ट है। दरअसल होता ये कि किसी सब्जेक्ट के लिए जब कोई शिक्षक नियुक्त कर दिया जाता है उसके बाद में उसको लगता है कि वो उसको पढ़ाने का पूरा भार उसी शिक्षक का हो गया है। मुझे आश्चर्य होता है आज भी कि 1912 के अंदर जब अंग्रेज़ों के शासन थे, आप जानते हैं गिजू भाई, उन्होंने दिवा स्वप्न में पूरा वर्णन भी किया है, उस समय पर भी वो भी इस तरह से बाहरी रिसोर्सेज का अपनी कक्षाओं में उपयोग करते थे। लेकिन ये एक आम शैक्षिक क्षेत्र के अंदर, एक विद्यालय के अंदर ये चीज़ें व्यापकता से पता नहीं क्यों प्रसारित नहीं हुई, या
इन सब चीज़ों का प्रचार उस तरीके से टीचर ट्रेनिंग्स में नहीं आ पाया कि हम स्कूल को या कक्षाओं को समाज से जोड़ सके। तो मेरी ये कोशिश रहती है कि अक्सर कि कक्षाओं के अंदर, समाज के अंदर जो भी रिसोर्स उपस्थित हैं उन सब के साथ वो जुड़े। जैसे मान लो खेतीबाड़ी की काम करने हैं तो किसान ज़्यादा एक्सपर्ट है, तो हम किसान के साथ बच्चों की बातचीत करवाते हैं। अगर मान लीजिए कि कोई कपड़ों पे, रेसों पे जब हम काम करते हैं तो हम दर्जी को या बुनकर को आमंत्रित करते हैं स्कूल के अंदर कक्षा में बच्चों से बातचीत करने के लिए। इसी तरह से अलग अलग क्षेत्र के जो भी हैं, कोई डॉक्टर भी होते हैं, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता भी होते हैं, ENM भी होते हैं, गांव के जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी होते हैं, तो इन सब लोगों को हम स्कूल में बुला करके, पोस्टमैन होता है, बैंक कर्मी हो सकते हैं। तो हमारी कोशिश रहती है कि जब हम जिस टॉपिक पे, जिस कंटेंट पे, जिस कंसेप्ट पे बच्चों के साथ काम कर रहे हैं उसके अनुभवी लोग जो उनके एक्सपर्ट हैं, जिन्होंने उस जीवन को जिया है, उनको हम स्कूल में बुलाएं और कक्षा में उन बच्चों के साथ में बात करें। तो हमेशा से हमारी ये कोशिश रहती है। बातचीत को आगे बढ़ाएं उससे पहले जन सरोकार मंच के दर्शकों से मेरा आग्रह है कि वो इस चर्चा को लेके, कोई भी उनके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया आप कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न टाइप करके लिख देवें, जिनको हम थोड़ी देर बाद में एड्रेस करेंगे। तो अनुराग जी ने जो एक्सपीरियंस बताया समुदाय को जोड़ना, किसान आदि को बुलाना, उन बच्चों से चर्चा कराना, मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं क्योंकि बच्चे उनसे सीधे जुड़ पाते हैं। मुझे थोड़ा सा याद आता है कि जब प्रोजेक्ट वर्क चल रहा था साइंस में कि खेतीबाड़ी को लेकर, तो बच्चों ने कितने परिश्रम से उन्होंने अपना खेत तैयार किया था और उन्होंने मक्का की फसल बोई थी। वो जब तक वो मक्का बड़े हुए, मक्का लगने लगे, तब तक की स्थिति मैंने देखी और बच्चों को कितनी प्रसन्नता हुई कि जब उनके द्वारा लगाए हुए जो फसल है वो एक बड़ी होते हुए वो देखे, तो काफ़ी अच्छे अनुभव रहते हैं। बच्चों को काफ़ी प्रैक्टिकल करना बहुत ही अच्छा लगता है, वो साइंस से सीधे जुड़ पाते हैं। तो अब आगे की चर्चा में हम बात करते हैं कि जैसे आपने अपने ढेरों अनुभव आपने सुनाए हैं, तो मैंने ये भी देखा है कि आप अपने जो ये शिक्षण के दौरान जो अनुभव आप होते हैं, आपने समय समय पर विद्यालय से निकलने वाली समय पत्रिका में, टीचर्स पोर्टल पे और भी ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ आपने वो अनुभव सबको साझा किए हैं। तो शिक्षक को एक रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होना चाहिए, तो उसमें अगर रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिशनर होगा तो उसको दस्तावेज संभालने पड़ेंगे या दस्तावेजीकरण करना पड़ेगा। तो आप शिक्षण में दस्तावेजीकरण को कैसे देखते हैं और इसका क्या महत्व आपको लगता है? देखिए, दस्तावेजीकरण का बहुत ही महत्व है और ये महत्व तब ज़्यादा बढ़ जाता है जब उस क्षेत्र में दस्तावेजीकरण पहले से ही बहुत कम मात्रा में हो। ये बहुत आश्चर्य की बात है कि शिक्षा जगत में शिक्षकों को रिसर्च से बिल्कुल दूर कर दिया गया, उनको लिखने के, रिफ्लेक्ट करने के मौक़ों से या अपनी अपने आप को कहीं एक्सप्रेस करने के मौक़ों से काफ़ी दूर कर दिया गया है। और जब इस तरह के माहौल में मुझे दस्तावेजीकरण का बहुत ही महत्व लगता है। जितने भी शिक्षाविद हैं या जिनको आज हम शिक्षा के जगत में पढ़ते हैं, उन सब में या बाहरी, चाहे वो किंडरगार्टन हो या जो भी हम शिक्षा व्यवस्थाओं की बात करते हैं, वहाँ पे दस्तावेजीकरण बहुत अच्छे से हुआ है। लोग वहाँ टीचर आर्टिकल्स लिखते हैं, रिसर्च पब्लिश करते हैं, एक्शन रिसर्च करते हैं और इस तरह के काफ़ी चीज़ें करते हैं। तो जो भी मैं कक्षाओं में हम काम करते हैं, जिस तरह का भी, और ये सभी शिक्षक साथी हम स्कूल में मिल करके भी करते हैं, तो इसमें कक्षा के अनुभवों को, बच्चों के साथ किए गए अच्छे गलत, मतलब जो भी असफल या सफल जो भी हमारे अनुभव रहते हैं हम उनको लिखते हैं, जो सफल अनुभव रहते हैं उनको हम काफ़ी लेवल पे साझा करते हैं। टीचर्स पोर्टल ऑफ इंडिया हमारा खुद का एक पोर्टल है, आप जानते हैं, फाउंडेशन का यूनिवर्सिटी से पब्लिकेशन होता है तो वहाँ पर हम भेजते हैं, वहाँ पर छपता है, और अलग अलग शिक्षा विमर्श की जो भी किताबें होती है, मैगजीन्स होती है, उसमें भी हम भेजते हैं, तो कभी छपता है कभी नहीं छपता है, लेकिन आपस में शेयर करने के लिए वो काफ़ी उपयोगी रहता है और दूसरों को लर्निंग के लिए अच्छा रहता है। और ये दस्तावेजीकरण है वो शुरू से शुरू होता है। आप जो भी पाठ योजना बनाते हैं, आपकी क्वालिटी पाठ योजना हमारे पास होनी चाहिए, उसके बाद में हम कक्षा में उसका ट्रांजेक्शन करते हैं, बच्चों के ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट, वो सारे दस्तावेजीकरण हो हमारे पास में, और फिर कक्षा के रूपांतरण, बच्चों की लर्निंग को लेकर हमारे पास उसके रिफ्लेक्शंस होने चाहिए,
और जब रिफ्लेक्शंस के साथ में हमारी एक समझ बनती है बच्चे कैसे सीखते हैं उसको लेकर, तो हम उनको एक अपने तरीके से लिख करके उनको हम रख सकते हैं, साझा कर सकते हैं, दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मुझे अच्छा लगता है ये सब लिखना, साझा करना। हम लोग एक YouTube चैनल पे भी मैं अपने कुछ वीडियोज़ हैं, जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ वहाँ भी कुछ चीज़ें हैं, न्यू एजुकेशन रिवोल्यूशन नाम से है वो, तो वहाँ पर भी हम आप लोग देख सकते हैं कि किस तरह से कुछ कामों को मैंने वहाँ भी साझा किया है। क्योंकि जहाँ भी अच्छे काम भारत में बहुत जगह पे हो रहे हैं लेकिन वो आम धारणा में नहीं बन पा रहे हैं, तो अगर सब लोग धीरे धीरे कोशिश करेंगे तो सभी स्कूलों में अच्छे से काम होना शुरू हो सकता है। अच्छा, इसी से जुड़ता हुआ मुझे एक प्रश्न आ रहा है कि जो रिफ्लेक्शन हम लिखते हैं, क्या रिफ्लेक्शन आगामी पाठ योजनाओं के निर्माण में मदद कर रहे होते हैं या उनका कुछ और उपयोग भी आप लेते हैं? देखो, दो तरह के रिफ्लेक्शंस होते हैं। एक तो पढ़ाने के दौरान जो हम करते हैं कि हमने आज की कक्षा पढ़ाई और उसमें क्या अनुभव हमारे रहे, किस बच्चे के साथ किस तरह का बिहेवियर रहा, वो एक लिखने वाली बात होती है। और दूसरा होता है कि एक ओवरऑल रिफ्लेक्शन। मुझे याद आ रहा है, मैं अनुभव साझा करना चाहूँगा कि कक्षा के अंदर जब मैं EVS में बात कर रहा था कि जानवरों को पिंजरे के अंदर चिड़ियाघर में बंद रखना चाहिए या खुले में जंगलों में रखना चाहिए, तो मेरी समझ से बाहर था कि मुझे लगा कि सभी लोग बोलेंगे कि जंगल में खुले में आज़ादी में रखना चाहिए, लेकिन बच्चों ने जिस तरह के तर्क दिए, बच्चों ने बताया कि खुले में आज़ादी में रखने का नतीजा क्या निकला है और उन्होंने किस तरह से वो उनको मार दिया गया, उनकी संख्याएं बिल्कुल ख़त्म हो गई और चिड़ियाघर में किस तरह से वो सुरक्षित था, इस तरह से भी वो सोच पाए। हालांकि कंक्लूजन में जब हमने चर्चाएं की तो वो समझ गए कि आज़ादी का क्या महत्व है और वो क्यों ज़रूरी है, लेकिन बच्चे किस तरह से सोचते हैं उस पर मैंने एक अच्छा सा आर्टिकल लिखा है पिंजरे में आज़ादी करके, तो वो उसको लिखने पूरी एक समझ बनी उसके बाद उसको लिख पाए। तो इस तरह से अलग तरह के भी दस्तावेजीकरण हो सकते हैं। मुझे लगता है अब मैं आपके सामने थोड़ा कठिन प्रश्न रख रहा हूँ। दस्तावेजीकरण, रिफ्लेक्शन लिखना, ये श्रम साध्य काम है, तो आमतौर पर टीचर्स की ये शिकायत होती है कि हमें टाइम नहीं मिलता है, कब लिखें, कब क्या करें, ये इतने सारे काम हैं, तो आप इस चुनौती को कैसे देखते हैं, आप किस तरह से इस चुनौती से पार पाया आपने? ये बात सही है, जिस तरह का स्कूल सिस्टम आज के ज़माने में चल रहा है और जिस तरह से आना, प्रार्थना और उसके बाद बैक टू बैक एक दो पीरियड और पीरियड के बाद में छुट्टी और घर चले जाना, तो एक सिस्टम है जिसने टीचर्स को सोचने, समझने और लिखने और इन सब के लिए जो समय है वो दूसरे कामों में उपयोग करने, उसको अलग अलग कामों में भी भाग लेना है। अगर जनरल स्कूलों की बात करें, गवर्नमेंट में तो मिड डे मील भी है और अन्य ड्यूटियाँ भी हैं, और हमारे यहाँ भी बात करें तो हम भी अलग अलग तरह के कई तरह के काम करते रहते हैं, लेकिन हमें इसके लिए स्मार्टली वर्क करना ही पड़ेगा क्योंकि समय का एक इशू रहता है। लेकिन मान लीजिए लेसन प्लान अगर हम एक बार सॉफ्ट में बना करके रख लें और फिर उसमें साल दर साल इम्प्रूव करते जाए, तो लेसन प्लान एक बार बनता है और उसमें लगातार फिर हर साल हम एडिट कर सकते हैं, तो वो एक तरीका है। दूसरा है कि काम को तुरंत कर देना। मेरा अक्सर ये रहता है कि क्लास के अंदर जो लेसन प्लान हम बनाते हैं, पाठ योजना बनाते हैं, उसी में एक समय स्लोट रहता है इन सब चीज़ों को, रिफ्लेक्शंस को नोट करना या बच्चों के आकलन के तरीके, तो वो पाठ योजना का ही एक हिस्सा बना करके, और स्कूल के टाइम टेबल का इसमें रोल रहता है, तो यहाँ हमको सपोर्ट भी मिलता है, हम अपने योजना के अनुसार चीज़ों को कर सकते हैं या दो शिक्षकों के साथ मिलकर भी पढ़ा लेते हैं, तो ये टीम के रूप में देखना होगा। और समय प्रबंधन का एक कौशल होता है जो सभी शिक्षकों के अंदर ज़रूरी है, और तो वो एक शिक्षक दर शिक्षक निर्भर करता है, तो ये एक इशू रहता है, लेकिन अगर स्मार्टली सोचें और इसका प्रबंधन हम कर पाएँ तो लॉन्ग टर्म में ये दुख नहीं देता। शॉर्ट टर्म में हमें लग सकता है एक साल की प्रॉब्लम, दो साल की प्रॉब्लम, लेकिन अगर हम 3-4 साल 5 अपने अनुभवों को हम स्ट्रक्चर्ड कर लेते हैं तो उसके बाद हमें केवल नए कामों के लिए एफर्ट लगाने की ज़रूरत होती है, जो रूटीन काम है वो हमारे स्टेबल हो जाते हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमारे साथी अनुराग जी बहुत सारे अनुभव काफ़ी जगह शेयर कर चुके हैं, तो ये आदत उन्होंने बच्चों में भी डेवलप करी है। विज्ञान शिक्षण के दौरान उनके क्या अनुभव रहते हैं, वो किस तरह से सोचते हैं, उनके सामने अगर कोई प्रश्न दिया जाता है तो उसको कैसे वो रिफ्लेक्ट करते हैं, इनको लेकर अनुराग जी ने बहुत अच्छा काम किया है। तो मैं थोड़ा इस पर प्रकाश डालना चाहूँगा कि हमारे स्कूल में एक
बाल विज्ञान पत्रिका निकलती है जिसका नाम है अनुप्रयोग। तो मैं अनुप्रयोग को लेके ही अनुराग जी से प्रश्न करूँगा कि वो उनके दिमाग में ये विचार कैसे आया कि अनुप्रयोग शुरू करना चाहिए, ये बच्चों के लिए कैसे उपयोगी है, और अगर बच्चों ने इतने टाइम उसमें काम किया है तो आपके क्या अनुभव रहे हैं? अगर मैं अपने शिक्षक जीवन में कुछ सफल प्रयोगों की बात करूं तो उसमें से एक ये बाल विज्ञान पत्रिका अनुप्रयोग एक आएगी। दरअसल बच्चे और हम कक्षाओं में या प्रोजेक्ट के रूप में, सर्वे के रूप में या कक्षाओं की प्रक्रियाओं के रूप में बहुत सारे काम कर रहे थे, लेकिन उनको दिक्कत आ रही है। चैलेंज की मोबाइल को वीडियो दिख रहा है? वीडियो थोड़ी आ रहा है, वीडियो आ रहा है? आ रहा है वीडियो? चलो बोलो। माफ़ कीजिए, थोड़ी तकनीकी खराबी से थोड़ा दिक्कत हुई। तो हम बात कर रहे थे अनुप्रयोग को लेके, तो उसको लेके आपके क्या एक्सपीरियंस रहे वो थोड़ा आप हमें साझा कीजिए। मैं बता रहा था कि तो जो प्रक्रियाएं हैं तो उन सबको भाई बच्चों ने कक्षा में काम किया, बाहर काम किया, जो भी प्रोजेक्ट वर्क सर्वे जो भी वो चीज़ें कर रहे थे, तो मैं उन सबको एक मंच पर लाना चाह रहा था या इस तरह से लाना चाह रहा था कि कोई भी उसको देखे तो वो समझे कि किस तरह से बच्चों ने काम किया है। तो उन सबको जो भी आर्टिकल्स थे, उन बच्चों जब पूरा पाठ पढ़ लेते तो भी वो लिखते हैं, वो भी अपने अनुभव लिखते हैं कि कक्षा में किस तरह से उन्होंने काम किया और क्या उनको सीखने को मिला, साथ साथ में वो प्रोसेसेस को भी लिखते हैं। तो जितने भी हमने प्रोजेक्ट वर्क करते हैं, सर्वे करते हैं, शैक्षणिक भ्रमण करते हैं या जो भी हम लर्निंग करते हैं बच्चे या मैं खुद, वो सब हम उस पत्रिका के अंदर ज़रूर लिखते हैं और उनको हर 2 महीने पर 3 महीने पर उसको पब्लिश करते हैं। अभी पिछले साल से ही ये मैंने कार्य शुरू किया है, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन बहुत अच्छा है, ख़ासतौर से जब बच्चे अपनी लिखी हुई चीज़ों को वापस से खुद पढ़ते हैं और उन्हें लगता है कि हमने ये काम किया है, और जब वो 2 महीने 3 महीने बाद दोबारा से पढ़ते हैं तो एक तो वो उसको बहुत अच्छा लगता है उन बच्चों को, दूसरा है कि ये एक आकलन का बहुत ही अच्छा मौका मुझे मिल जाता है, क्योंकि जब बच्चे अपने सीखी हुई चीज़ों को लिखते हैं, अपने डाटाज को प्रेजेंट करते हैं उसके अंदर, तो मुझे समझ में आता है कि किस बच्चे के अंदर कहाँ तक दिक्कत आ रही है या उसको किस चीज़ की समझ नहीं बनी है, तो ये भी वहाँ से पता चलता है। तो एक आकलन के टूल के रूप में भी वो पत्रिका को हम उपयोग में लेते हैं। एक अनुप्रयोग एक खुशी देती है क्योंकि काफ़ी लोगों ने उसको सराहा है और निश्चित रूप से इसको आगे हम और एनरिच करने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। शिक्षा में हम देखें तो 3 घटक मुख्य लगते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी और समुदाय। तो इन 3 के अंतर संबंध से भी बच्चों को सीखने में मदद मिलती है। इसी को ध्यान में रखते हुए आपने मांडवा में सामुदायिक पुस्तकालय का संचालन भी आपने किया है और कर रहे हैं नियमित रूप से, तो इसके अनुभव क्या रहे हैं? तो हम आपसे आग्रह करेंगे कि आपके उन अनुभवों को हमारे जनसरोकार मंच के दर्शकों से कृपया साझा करें। पुस्तकालय देखिए, स्कूल में तो हमारे पास बहुत अच्छा पुस्तकालय है, लेकिन जिस गांव के पास में हम ये स्कूल चलाते हैं वहां पर कुछ बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में भी जाते हैं, कुछ बड़े बच्चे भी हैं वो भी हैं और समुदाय के लोग भी हैं। तो एक माहौल बनना बहुत ज़रूरी होता है गांव के अंदर एक शिक्षा को लेकर, खास तौर से उस क्षेत्र में जिसमें बहुत ही
पिछड़ा हुआ अगर इलाका है तो वहाँ पढ़ने के लिए की रुचि बनना बहुत ज़रूरी है, और पढ़ने की बुनियाद है भाषा का विकास और एक्सप्लोरेशन कि चीज़ें कहाँ तक हमको मिल पाती है। मैंने ये कोशिश की है, मैं जानता हूँ आप तो उसके फाउंडर रही हैं, आपने मेरे साथ में मिलकर के ही उस पर हमने काम किया। तो हमने कुछ बच्चों की गांव में एक कमेटी बनाई, कुछ समुदाय के लोगों को जोड़ा और मिलकर के वहां पर शुरुआत में एक छोटा सा पुस्तकालय शुरू किया, और धीरे धीरे फिर आज वो एक अपने एक स्थायी कैंपस के अंदर है और 2000 से अधिक उसके अंदर पुस्तकें हैं। सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने बचपन को जब हम याद करते हैं तो हमें बहुत अच्छी किताबें गिनी चुनी मिलती थी, चंपक, बालहंस या अखबारों में कुछ आता था वो, और हम बहुत सोचते थे कि उत्तम कोटि का बाल साहित्य कभी हमको पढ़ने को मिलेगा क्या, या मिलता था तो बहुत महंगा मिलता था या अवेलेबल ही नहीं था गाँव के अंदर। तो हमने जो भी अच्छी से अच्छी जो भी पुस्तकें हो सकती है, जितने भी पब्लिकेशंस हैं या जितना हमारी समझ है, हमने उसको इकट्ठा किया, और जिला संस्थान से जो अरिम प्रेम जी फाउंडेशन के है वहाँ से भी हमको काफ़ी मदद मिली, और हमने उस पुस्तकालय को रनिंग किया। आज गांव के बच्चे खुद उस पुस्तकालय को चला रहे हैं, और उसके अंदर हम अलग अलग तरह के इवेंट कर सकते हैं। मांडवा गाँव का सबसे पहला, आप सोचिए कि गाँव में पुस्तक मेला की रचना हो सकती है क्या, तो हम ने गांव बच्चों के साथ में मिलकर के गांव में एक पुस्तक मेला लगाया संविधान दिवस के अंदर, 26 नवंबर को मुझे याद है। तो पुस्तक मेला इतना सफल रहा, बहुत सारी किताबें इश्यू हुई, और लाइब्रेरी आज लॉकडाउन से पहले तक हम फिल्म स्क्रीनिंग भी करते थे, कुछ इवेंट्स भी करते थे, कुछ लोगों के साथ में चर्चाएँ भी वहाँ होती थी। तो वो सारा एक अच्छा ऐसा सेंटर बन गया था गाँव के बीच में, जहाँ पर पढ़ने लिखने और उससे संबंधित चीज़ें होने लगी। तो उस तरह का ये एक गांव के अंदर चल रहा है। अभी लॉकडाउन के बाद ज़रूर हम उसको अभी कंटिन्यू नहीं कर पाए सुरक्षा को देखते हुए, लेकिन जैसे ही अगर ये चीज़ें ठीक होती है तो उसको लेकर हमारे बहुत सपने हैं कि वो पुस्तकालय से, क्योंकि जब एक साथ 100-200 बच्चे पुस्तकें पढ़ रहे होते हैं तो आप सोच सकते हैं कि बच्चों के लर्निंग लेवल में या भाषागत विकास में उनका कितना एकदम से विकास होता है जब उनको उनके रुचि की पुस्तकें मिल रही होती है। आप पुस्तकालय तो एक माध्यम है बच्चों को जोड़ने का, लेकिन धीरे धीरे शुरुआत में बच्चे जुड़ते गए, लेकिन आज हम स्थिति देखते हैं तो लगभग सारे गांव वाले हमारा सपोर्ट करते हैं, और बहुत सारे हमने इवेंट भी आयोजित किए हैं जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, तो इसको हम आगे भी जारी रखेंगे। अब मेरा अगला प्रश्न है कि आपने हमारे स्कूल में विज्ञान दिवस, पोषण सप्ताह हो, चाहे विज्ञान मेला हो, कोई प्रदर्शनी हो, आदि ऐसे कार्यक्रमों का आपने नियमित रूप से आयोजन किया है, तो इस तरह के आयोजनों का शिक्षा में क्या महत्व देखते हैं आप? देखिए, विज्ञान दिवस है या स्कूल के अंदर जितने भी शैक्षिक इवेंट होते हैं वो बच्चों को विज्ञान में तो एक कौशल भी है प्रस्तुतिकरण वाला, तो एक तो बच्चों को अपने सीखे गए कार्यों का प्रस्तुतिकरण का अवसर मिलता है, दूसरा उनको अलग अलग तरह की नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने का, जितना उन्होंने पढ़ा उससे आगे का सीखने का भी उनको अवसर मिलता है, और एक रुचि भी उनकी विषयों के प्रति जागृत होती है। तो पोषण सप्ताह के रूप में जब हम पोषण को लेकर काम करते हैं, क्योंकि बच्चों के अंदर न्यूट्रिशंस की बहुत कमी होती है, हालांकि स्कूल के अंदर दूध और ये चीज़ें नाश्ता, लंच, मिड डे मील सब प्रोवाइड करते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नहीं खाते, तो उनको एक अवेयरनेस के लिए इस तरह का काम करते हैं। विज्ञान दिवस हम 28 फरवरी को हर साल एक बड़े इवेंट के रूप में मनाते हैं, उसमें बहुत सारी गतिविधियां करते ही है। इसका बहुत इम्पोर्टेंट महत्व है कि एक तो बच्चे जो भी अपना प्रयोग करते हैं, प्रोजेक्ट कार्य करते हैं, उनकी प्रोसेसेस से वो गुजरते हैं, साल भर में उन्होंने जो सीखा उनको वो प्रस्तुत बड़े समुदाय के साथ, दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ, दूसरे शिक्षकों के साथ उनको साझा करने का मौका मिलता है, और उनका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और जिस समय वो तैयारी कर रहे होते हैं उसकी प्रक्रियाओं से गुजरते हैं तो उनकी जो लर्निंग होती है कंटेंट या कंसेप्ट वो भी बहुत बढ़ जाती है। इसके अलावा इस पर एक विस्तार से चर्चा हो सकती है, क्योंकि स्कूल इवेंट्स जो होते हैं विज्ञान दिवस या विज्ञान प्रदर्शनी, इनका एक बड़ा एक प्रोस्पेक्टिव है, तो उन पे हम फिर कभी, मुझे लग रहा है, बात कर सकते हैं, क्योंकि समय भी पूरा होने को है। तो मैं मेरा अंतिम प्रश्न आपसे रखूँगा क्योंकि ये ज़रूरी है। स्टेनले हॉल का कथन है कि जो किशोर अवस्था है वो तूफान की अवस्था है। आपने स्कूल में तरुणाई मंच
को लेकर एक नवाचार शुरू किया है। तो एक शिक्षक होने के नाते आप किशोरावस्था को कैसे देखते हैं और इसका उच्च प्राथमिक कक्षाओं में क्या महत्व है? देखिए, फिफ्थ क्लास तक जब हम प्राइमरी कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो प्राथमिक कक्षाओं में जो बच्चे होते हैं वो जब उनको खुला माहौल मिलता है, बिना डर का माहौल मिलता है और खेल खेल में सीखने की शिक्षण प्रक्रियाएं मिलती हैं तो वो बहुत खुश होते हैं और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ में, अच्छे से शिक्षक के मित्रवत व्यवहार के साथ में और सीखने के प्रति बहुत ही आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन जब वो 6 से ऊपर 13, 14, 15, 16 साल में जाते हैं तो आप जानते हैं शारीरिक हार्मोन का सीक्रेशन शुरू हो जाता है और किशोरावस्था की शारीरिक विकास की अवस्थाएँ आने लगती है। तो उसको ध्यान में रखते हुए स्कूल के अंदर एक गाइडेंस और काउंसलिंग को लेकर हम लोगों ने एक मंच चलाते हैं जिसको हमने तरुणाई मंच नाम से भी जानते हैं। तो उसमें महीने के आखिरी शनिवार को हम लोग मीटिंग करते हैं और उस मीटिंग के अंदर बच्चे, लड़के, लड़कियां सब मिलकर के और जो भी उनके प्रश्न होते हैं या उनके प्रश्न नहीं होते तो हम पूरी योजना बना करके किशोरावस्था की जो समस्याएँ होती हैं उन समस्याओं के ऊपर हम काफ़ी बात करते हैं खुल के, उनको रीडिंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, कोई वीडियो होता है तो वो दिखाते हैं, कुछ पढ़ने की किताबें उपलब्ध कराते हैं ताकि वो अपनी किशोरावस्था के समय जो भी उनकी जो अंदर मन भावनाएं होती है वो उनको वो दूर कर सके। दो शिक्षक हैं, एक मैं खुद हूँ और एक महिला साथी है, उनको प्रॉपर इसके लिए हमको ट्रेनिंग भी मिला है और उन ट्रेनिंग के द्वारा जो भी हमने सीखा है वो हम बच्चों के साथ में लागू करने की कोशिश करते हैं और एक अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ उसमें हम करते हैं जिनसे बच्चों का व्यक्तित्व विकास भी हो और जो उनका जीवन जीने की जो कला है उसमें उनको मदद मिल सके। क्योंकि इस अवस्था में काफ़ी तनाव, संघर्ष की अवस्था भी आप जानते हैं हम कहते हैं इसको, लेकिन अगर आप कोई उसको सपोर्ट करने वाला, समझाने वाला या उनकी बात को सुनने वाला मिल जाता है तो ये सरल हो जाता है। तो इसको लेकर हम तरुणाई मंच चलाते हैं और मुझे लगता है कि किशोरावस्था के बालक को के साथ शिक्षा में काम करते समय सभी जगह पर ये व्यवस्था होनी जरूरी है। अनुराग जी, मुझे लगता है ये थोड़ा विस्तृत विषय है जिस पर हम आगे भी कभी चर्चा कर सकते हैं। तो अब हम हमारे दर्शकों के कुछ प्रश्न आए हैं जिनको अब समय की कमी है लेकिन फिर भी हम कुछ प्रश्न ले लेते हैं। तो राहुल सिंह जी लिखते हैं कि अन्य स्कूल और अजीम प्रेमजी स्कूल में आपको क्या अंतर दिखाई दिया? देखिए, स्कूल की जब हम बात करते हैं तो तरह तरह के स्कूल इस समाज व्यवस्था में चलते हैं। कुछ सरकारी स्कूल्स हैं, कुछ प्राइवेट स्कूल्स हैं और कुछ ट्रस्ट आधारित संस्थाएं हैं। और तो इन सब में सभी तरह के स्कूल्स हैं। सरकारी स्कूल में मैंने ऐसे ऐसे स्कूल्स भी देखे हैं जिनमें बहुत ही अच्छे शिक्षक हैं और बहुत ही अच्छे से उन्होंने बच्चों के लर्निंग के लिए काम किया है। प्राइवेट स्कूल्स में भी कुछ ऐसे स्कूल्स हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और ट्रस्ट वाले स्कूल में भी बहुत अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे स्कूल्स भी हैं जिन्होंने इस शिक्षा को व्यापार, बिजनेस और एक इस तरह का पैसे कमाने का माध्यम बना लिया है और एक गठजोड़ बन गया है जिन्होंने शायद मूल शिक्षा के उद्देश्यों से वो भटक रहे हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो अजीम प्रेम जी स्कूल का जो पूरा उद्देश्य है वो शिक्षा व्यवस्थाओं में डेमोस्ट्रेशन प्रस्तुत करना है, यानी कि हम एक जनरल समाज का हिस्सा बन करके उसी परिस्थितियों के अंदर हम अच्छी बेहतर शिक्षा कैसे बच्चों को उपलब्ध करा पाएँ इसको लेकर हम काम करते हैं। तो बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर प्रक्रियाओं के रूप में देखें तो आप अंतर कह सकते हैं कि हमारा क्लासरूम एक अलग तरीके का होता है जहाँ खुला वातावरण है, जहाँ टीचर से अपनी बात कहने की पूरी आज़ादी है, जहाँ बच्चे आपस में चर्चाएं करते हैं, जहाँ प्रयोग करते हैं, जहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, ये सभी चीज़ें हैं स्कूल के अंदर। लेकिन अगर हम बाहरी स्कूलों में देखें तो इन चीज़ों में अभी पूरी तरह से स्थिति अच्छी होने में शायद मुझे लगता है कि सभी स्कूलों में ऐसी व्यवस्था अभी नहीं है। अगला प्रश्न लेते हैं सतवीर सिंह जी का। व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंस यू फेस्ड इन टीचिंग मेथड्स एज ए टीचर ऑफ नॉर्मल प्राइवेट स्कूल एंड एज ए टीचर ऑफ अजीम प्रेमजी स्कूल? तो ये लगभग अभी जो प्रश्न आया है वो उसी के इर्द गिर्द है। तो एज ए टीचर अगर आप देखें कि
टीचिंग मेथड्स की बात करें तो मैंने आपको बता दिया कि अब किसी अदर स्कूल के शिक्षक की मैं बात इतना नहीं करना चाहूँगा। मेरी जो मेथड्स थे मैंने मैं आपको बताया कि अलग अलग सामाजिक लोगों को भी जोड़ते हैं, कक्षा के अंदर प्रायोगिक चीज़ें ज़्यादा रखते हैं, थ्योरेटिकल या लेक्चर मेथड को कम रखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा व्यवस्था को रखने की कोशिश रहती है, तो छात्र सेंटर में होता है। तो यही सब चीज़ें है जो हम यूज करते हैं। किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टीचिंग मेथोलॉजी पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो मैटर बड़ा हो जाएगा तो फिर देखते हैं। विज्ञान शिक्षण की बात करें तो बार बार एक बात सुनने में आती है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण या साइंटिफिक टेम्पर का विकास। तो हमारे साथी ने, राहुल सिंह जी ने पूछा है कि बच्चों में साइंटिफिक टेम्पर का विकास हो तो कैसे और क्यों? देखिए, वैज्ञानिक कौशल कोई ऐसा नहीं है कि कोई मेथड है और उससे वो सिखा दिया जाए। ये प्रोसेस का ही हिस्सा है। जब हम अलग अलग तरह से चर्चाएं करते हैं, अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स को समझ पाते हैं। आप एक ही चीज़ को जब आप एक तरफ से देखते हैं तो आपको वो अलग तरह से नज़र आती है। जब उसी चीज़ को आप अलग अलग तरफ से देखते हैं तो अलग अलग तरह की नज़र आती है। अब हम हमारी टीचिंग मेथोलॉजी या शिक्षण प्रक्रिया इस प्रकार की करें कि बच्चे के अंदर ये समझने की क्षमता आ जाए कि एक एक ही जो भी बात है उसका अलग अलग प्रोस्पेक्टिव्स हो सकते हैं, और हम उन सभी तरीकों से सोच के और जब हम हमारा निष्कर्ष निकालते हैं उनके एविडेंसेज को देखकर, उस अवधारणाओं को समझकर, लॉजिक लगा के, एनालिसिस करके, डेटाओं की रियलिटी पे बात करके, तो ये प्रोसेसेस में शामिल करना होता है। और जब लंबे समय तक उस तरह की प्रोसेसेस होती है, या यूँ कहें कि विज्ञान लोग कहते हैं कि करके सीखना, तो उस तरह की प्रोसेसेस जाते हैं, तो ये अपने आप विकसित होने वाली प्रक्रिया है जो एक लॉन्ग टर्म में बच्चों के अंदर आती है। और ये कोई विषय से जुड़ा हुआ समूह नहीं है कि विज्ञान विषय में ही ये होगा, ये सभी विषयों के अंदर समान महत्व रखता है। एक प्रश्न आया है कुछ दुर्गम स्थानों को लेकर के। कुछ दुर्गम स्थान होते हैं जहाँ आम जन का पहुँचना भी आसान नहीं होता है, तो वहाँ दूर दराज, जैसे अपन माउंट आबू क्षेत्र की बात करें, पहाड़ी क्षेत्र है, वहाँ बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहाँ पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे पर्वतीय क्षेत्र हुए, चाहे मरुस्थली क्षेत्र हुए, वहाँ लेप की सुविधाएं मान लो हम नहीं दे पाएँ, तो वहाँ इस प्रकार का शिक्षण कैसे किया जा सकता है? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और अक्सर ये शिकायत हम सभी की रहती है कि भाई हम तो दूर दराज के इलाके में है, या हमारे पास फंडिंग नहीं है, या हमारे पास तो संसाधन नहीं है, हम कैसे कर सकते हैं। या जो आप हम बात करते हैं बाल केंद्रित, प्रायोगिक, लैब, या जिस तरह की भी अलग अलग नवाचारों की बात करते हैं, तो वो संसाधन नहीं है तो कैसे करें, या एक ही स्कूल में एक ही टीचर है, दो ही टीचर है, तो कैसे करें। तो मैं, अगर आप लैब की बात करेंगे तो उसमें कोई महंगे संसाधन नहीं है ऐसा। आप देखिए कि हवा का दबाव, बल, गति और जो भी फिजिक्स के मेथड्स हैं उनको पढ़ाने के लिए कबाड़ के अंदर जो भी साधन उपलब्ध हैं हम उन्हीं से चीज़ें इकट्ठा करते हैं। उन बोतल हुई या जो भी उनके ढक्कन हुए और जो भी हमारे आसपास बच्चों के परिवेश में मिलते हैं। एक और उदाहरण मैं देना चाहूँगा, जैसे केमिस्ट्री का जितना भी हम काम करें तो जो बच्चों का किचन है, जब हम अम्लक्षार और लवण पे काम कर रहे थे मुझे याद है, तो बच्चों ने जो प्रोजेक्ट कार्य किया था तो अपने अपने घर की सभी खाद्य सामग्रियों का पीएच नापा था, और उनके अंदर एसिड कौन है और क्षारीय कौन है, अम्लीय कौन है, तो अपने घर के किचन का अम्लीयता और क्षारीयता और उन्होंने लिया था, उसका डेटा लेके प्रेजेंट किया था कितनी चीज़ें हम खाते हैं उनमें कौन सी चीज़ का पीएच किस तरह का होता है। तो इसके लिए कोई भारी भरकम संसाधनों की ज़रूरत नहीं होती। और पर्वतीय क्षेत्रों या अबरोड जो बात कर रहे हैं अनुराधा जी, तो आप देखिए परिवेश, आप तो जानते ही हैं परिवेश से कैसे जोड़ते हैं। तो मैंने बताया कि विज्ञान अपने आसपास ही है, और जब आप अपने स्कूल से बाहर विज्ञान को निकाल देते हैं, अगर मान लीजिए आप पानी को लेकर काम कर रहे हैं, तो गांव के पानी, जल संसाधनों को आप बच्चों को कक्षा से बाहर लेकर, गांव से बाहर लेकर गांव में ले जाना होगा। अब इसमें ये सवाल आ सकता है कि भाई टाइम टेबल होता है, बच्चे पीरियड होते हैं, तो उसके लिए फिर टीम में बात करनी होती है, टीम के साथ में काम करके उसको फ्लेक्सिबल बनाना होता है। तो ये सब हम करते हैं,
और गांव के बाहर जलाशयों का ऑब्जर्वेशन, जलाशयों के अंदर जीव जंतुओं का ऑब्जर्वेशन, उसके अंदर की डाइवर्सिटी का ऑब्जर्वेशन, और मान लीजिए अनुकूलन पढ़ाना है तो उसके अंदर के अनुकूलनों का, तो इस तरह की चीज़ों को हम समाहित करते हैं। और इसी के साथ में अलग अलग सब्जेक्ट का इंटीग्रेशन भी होना ज़रूरी हो जाता है, गणित, हिंदी या अलग विषयों का सामाजिक ज्ञान, तो वो इंटीग्रेशन भी होता है। मुझे याद है कि जब हम वहाँ पढ़ाने ये उदयपुर के अंदर आहड़ के लिए बच्चों को लेकर गए थे, तो उससे पहले हमने तैयारी की थी, तो जब वो तैयारी में हम क्या करते थे, कुछ चीज़ों को मिट्टी के अंदर दबाते थे बच्चों को, उनको निकालने के लिए प्रेरित करते, तो हिस्ट्री का जो भी ज्योग्राफी का और उनको मिला करके इंटीग्रेशन कर रहे थे, तो उसी समय हमने जीवाश्म को लेकर भी काम किया था, तो वो जीवाश्म भी साथ में निकल रहे थे, तो उनके ऑब्जर्वेशन, उनके लक्षण और कक्षा में उन पर डिस्कशन, तो ये इंटीग्रेशन हुआ। और जब हमने भ्रमण किया तो उन चीज़ों पर वहाँ लर्निंग बनी। तो ये चीज़ें अगर एक टीम के रूप में करें तो आसानी हो जाती है, और आसपास की जो वस्तुएं हैं उनका, रिसोर्सेज का उपयोग बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो अवेलेबल है उनको विज्ञान से जोड़ना, और विज्ञान को दैनिक जीवन से जोड़ना विज्ञान में रुचि बढ़ाने का सबसे मुख्य साधन होता है। तो ये पिछला प्रश्न अनुराधा जी ने पूछा था, तो अभी दैनिक जीवन से विज्ञान को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो एक प्रश्न आया है अतुल जी मुगदल का, अंधविश्वास पर बच्चों के घर वालों को कैसे कन्विंस करें? बच्चे तो यहाँ स्कूल में सीख जाते हैं, लेकिन घर वाले को कैसे कन्विंस किया जाए? देखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, और मैं जानता हूँ अतुल को कि वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं। बच्चों को दो तरह की तार्किकताएं मिलती है, एक जो वो स्कूल में बात कर रहा है, और एक घर पे भी उसको कन्वेंस करने की कोशिश की जाती है उन अंधविश्वासों के पक्ष में। तो यहाँ पर जो मैं ध्यान रखता हूँ विशेष तौर पे, वो ये है कि एक तो है कल्चर, सेट कल्चर, और एक है तार्किकता या साइंटिफिक टेम्पर। तो हमें ये नहीं सिखाना है कि क्या सोचना है या क्या सही है या क्या गलत है, हमें सिर्फ इतना सिखाना है कि कैसे सोचना है। और जब हम ये सिखाते हैं कि कैसे सोचना है, कैसे डेटा लेना है, कैसे एनालिसिस करना है, और उन चीज़ों के आधार पे अपने निष्कर्ष लेने हैं, तब बच्चा खुद तय करता है कि क्या सही है या क्या गलत है। और एक कल्चर है, बहुत स्ट्रॉन्ग कल्चर है, उसके विरुद्ध कोई बहुत बड़ी लड़ाई बच्चे को लड़ने के लिए नहीं बात करनी है, लेकिन वो जब भविष्य में अपने जीवन जिएगा, एक स्कूल के रूप में कम्युनिटी में हम काम करते हैं, वहाँ तक हम अच्छे से अंधविश्वासों को दूर करने के लिए जन जागरण का काम तो करें, लेकिन बच्चे के साथ भी करें, पेरेंट्स को पीटीएम है समुदाय के, जब हम जाते हैं समुदाय के अंदर हर महीने 2 महीने, तब उनके घर पे बात करते हैं, तो वहाँ कन्वेंस करने की कोशिश करते, फिर भी नहीं होते हैं, लेकिन बच्चे तो अपने अंदर अगर साइंटिफिक टेम्पर विकसित कर पाए, तो जिन जकड़नों में उनकी पीढ़ियाँ गुजर गई, वो पीढ़ियाँ आगे नहीं जाएगी, और वो अपना जीवन और अच्छे से बेहतर कर पाएंगे, मेरी ये समझ है उसके लिए। अगला प्रश्न है सुनील जी पाठक का, जो पूछ रहे हैं कि विज्ञान और भाषा के संबंधों को किस रूप में देखते हैं? ये भी एक इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अक्सर विज्ञान के शिक्षक ये शिकायत करते हैं कि भई हमारे तो बच्चों को पढ़ना लिखना ही नहीं आता, आप कहाँ हमको सिखा परमाणु और ये सब चीज़ें सिखाएं। तो बाजी प्रश्न है कि भई पढ़ना नहीं आ रहा तो क्या करें। अब सवाल ये है कि अगर हमें विज्ञान की प्रकृति पता है, मुझे याद है एक बच्ची थी जो 5वीं क्लास के अंदर डायरेक्ट एडमिशन ली थी, और उसको बिल्कुल कभी उससे पहले स्कूल नहीं गई थी, तो जब हमने उसके साथ में काम किया मैंने, तो वो उसको रीडिंग नहीं आता था, तो हम मैंने उसके साथ में अलग अलग तरह के प्रोजेक्ट वर्क का डिज़ाइन किया, तो थोड़ा मेहनत वहाँ पे करना पड़ा, जैसे मुझे कोई वाटर प्यूरिफाइंग का सिस्टम मैंने उसके साथ में तैयार करने के लिए दिया, वो आज भी मेरे पास सुरक्षित रखा हुआ है, उस बच्ची ने कि पानी साफ कैसे होता है, और उससे पहले ईवीएस को लेकर जल जल के संसाधन रिसोर्स जो गांव के हैं उन पर कुछ उसके साथ काम किया, और साथ में भाषा के विकास को लेकर सरल शब्दावली मैंने रखी। और जब उसके साथ में काम किया, तो जो वाटर प्यूरिफिकेशन पे बच्चे के साथ में चर्चा की और उसको प्रोसेस में लेकर उसका वाटर प्यूरिफिकेशन के मॉडल का निर्माण किया और उसका प्रस्तुतिकरण किया साइंस डे तक, अलग अलग मंचों पे बीच में भी हुआ, एक ऐसी बच्ची जो कभी स्कूल नहीं गई, जिसको पढ़ना रीडिंग नहीं आती, लेकिन साइंस के जो लॉजिक्स है, साइंस के जो जो कौशल है,
उसने इतने अच्छे तरीके से सीखी। अब हमारा ये बनता है कि भाषा सिखाना किसी एक हिंदी के शिक्षक का ही जिम्मेदारी नहीं होता, तो सरल सहज भाषा सिखाने की जो प्रवृत्तियाँ हैं वो हम विज्ञान के थ्रू भी उन तक ले जा सकते हैं, कोशिश करते हैं। हालांकि एक लेवल का दिक्कत आता है मैं ये मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर हमें साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग है और बच्चे की लर्निंग इम्पोर्टेंट रोल है, भाषा समृद्ध होती है तो विज्ञान और समृद्ध हो जाता है। तो आप जिस बच्चे की बात कर रहे हैं उसी संदर्भ में ये है कि भाषा शिक्षक और विज्ञान शिक्षक दोनों मिलकर इंटीग्रेशन के रूप में जो काम किया तो बच्ची धीरे धीरे पढ़ना भी सीख गई और आज वो बच्ची सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए 10th में आ गई है। तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है कि वो 5वीं क्लास से आई और कैसे मुश्किल में वो पढ़ना सीखी। आगे का प्रश्न है जितेंद्र कुमार का, जो लिखते हैं होशंगाबाद साइंस टीचिंग भी लर्निंग बाय डूइंग की बात, होशंगाबाद जो साइंस टीचिंग है वो लर्निंग बाय डूइंग की बात करता है तो यह, लेकिन यह मॉडल फेल हो गया। फेल होने के कारण क्या हैं, क्या इसको नए फॉर्म में पुनः प्रयोग कर सकते हैं, इस पर आपके क्या विचार हैं? मैं इस विचार से सहमत नहीं हूँ कि होशंगाबाद का कोई लर्निंग बाय डूइंग वाला साइंस मॉडल फेल हो गया। देखिए कोई भी मॉडल है वो कभी या लर्निंग बाय डूइंग मॉडल अब कभी फेल न तो हुआ है, क्योंकि ये शिक्षा की एक बुनियादी समझ है करके सीखना। और जब भी हम शिक्षा देने की बात करते हैं तो करके सीखना ये सभी विषयों के अंदर सेम समान रूप से महत्व रखता है। तो मुझे मानना है कि ये फेल नहीं हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं कि होशंगाबाद का कोई चीज़ फेल हो गया या कोई और किसी संस्था का या किसी और रूप में किसी रूप में हो गया, तो उसकी मुझे जानकारी इतनी नहीं है कि वो उसके क्या कारण रहे, अलग अलग चीज़ों के अलग अलग कारण रहे। मैं इस बात से सहमत हूँ कि ये जो सिद्धांत है इसको हम आम विचार का या आम शिक्षा व्यवस्थाओं का अंग नहीं बना सकते, और इसमें पूरा शिक्षा व्यवस्था फेल है, ना कि कोई एक मॉडल। अब हमारे एक साथी हैं महेश जी पुनेठा, जो उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए हैं और कुछ बात पूछी है। उन्होंने एक आग्रह किया है कि अपने अनुभवों को हमारी पत्रिका शैक्षिक दखल के लिए आप भेजेंगे तो हमें खुशी होगी, पहली बात तो ये। और एक वो अनुप्रयोग की एक प्रति की इच्छा कर रहे हैं कि उन्हें वो भी भेजी जाए। और उन्होंने ये लिखा है कि आप जो पत्रिका प्रकाशित करते हैं उसके लिए फंड कैसे जुटाते हैं? हाँ, तो ये महेश जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो ज़रूर अगर वो मेल आईडी साझा करेंगे तो मैं उन्हें सॉफ्ट में भेज दूँगा। वो बच्चों का काम है, और दूसरा फंडिंग वाली बात है तो वो सॉफ्ट में है, उसको हम प्रिंटर से ही प्रिंट निकालते हैं, सॉफ्ट में ज़्यादा शेयर करते हैं, तो कोई प्रिंट करके महंगे फंड की ज़रूरत उसके लिए पड़ती नहीं है। टाइम की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उसको थोड़ा एडजस्ट करना होता है, तो वो संसाधन स्कूल के अंदर मौजूद होते हैं, कंप्यूटर स्कैनर वगैरह, तो वो हम करते हैं, तो सॉफ्ट में हम शेयर करते हैं ज़्यादा उसको, उस रूप में प्रिंटेबल फॉर्म में अभी तक वो नहीं है। तो देखेंगे अगर आगे ऐसा कुछ हुआ तो सॉफ्ट में मैं आपको ज़रूर इसको शेयर करूँगा। और मेरे जो भी लिखी हुई चीज़ें हैं वो शैक्षिक दखल का भी आप लिंक मुझे भेजें मेल आईडी, तो मैं ज़रूर उसमें भी भेजूँगा। बाकी कुछ हैं जो आप टीचर्स पोर्टल पे अगर मेरे नाम से सर्च करेंगे अनुराग के नाम से, तो वहाँ एक दो अनुभव है और पर्सनल अनुभव भी जो मैंने लिख के हमारी टीम में ही जो शेयर किए हैं वो भी मैं आपको भेज सकता हूँ, आप मेल आईडी ज़रूर साझा करें। हमारे शिक्षक साथी कुलदीप जी शर्मा का भी हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने पुस्तकालय पर जो हम काम कर रहे हैं उसके लिए सराहनीय प्रयास कहा है। तो उनका एक प्रश्न भी है कि विज्ञान मेले के बारे में विस्तृत चर्चा करें, तो अभी समय हो गया है कुलदीप जी, तो विज्ञान मेले पर मैंने पहले कहा कि इस पर काफ़ी चर्चा हो सकती है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम ये काम करते हैं। पिछले साल का अगर विज्ञान मेला देखेंगे तो आसपास के गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी आए, प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी स्कूल में शामिल हुए, और उसमें अलग अलग तरह की गतिविधियां हमने की। लेकिन उससे पहले देखिए कोई भी मेला होता है वो मेला करने के लिए नहीं करना चाहिए, उस मेले से पहले की पूर्व तैयारियां बहुत ज़रूरी होती है। तो हम जो भी वर्ष भर क्लासरूम में करते हैं वो, और मेले से एंड पहले जो 15 दिन महीने भर जो काम करते हैं बच्चों के साथ में वो, उनमें उनके कंसेप्ट को लेकर गहनता से बातचीत होती है,
वो क्योंकि देखिए साइंस में ये होता है कि जो भी आप मॉडल बना रहे हैं या कोई भी खोज कर रहे हैं, तो वो खोज आपको बच्चों को वो अनुभव कराना होता है कि पहली बार ये किस तरह से हुआ होगा, तो बच्चों को खुद से ही वो चीज़ें करनी होती है। तो एक लंबी प्रक्रिया है, ये एक अलग से मेथड है, इस पर हम डिटेल में बात कर सकते हैं। अभी 5 बज गए हैं, तो और हम दोबारा कभी इस पर मिलेंगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे। ये बड़ा टॉपिक है और अच्छे से हम इसको करते हैं, इसका डॉक्यूमेंट भी है, वो शेयर कर सकते हैं। तो उम्मीद है आज की यह वार्ता हमारे दर्शकों के लिए उपयोगी रही होगी। क्वालिटी शिक्षा के लिए शिक्षा में नवाचारों की ज़रूरत पड़ती ही है। नई सोच के साथ कार्य करने से हमें शिक्षा में बेहतर परिणाम भी मिलते हैं। आशा है हम आज की वार्ता से कुछ ले पाए होंगे। अंत में मैं अनुराग जी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने अपना समय निकाल कर हमें अपने अनुभव साझा किए, और साथ ही मैं जन सरोकार मंच टोंक का भी हार्दिक आभारी हूँ कि उन्होंने हमें अपनी बात रखने का मौका दिया। थैंक यू रितेश जी, आपका भी पूरा सहयोग रहा है। मैं जानता हूँ कि मेरे साथ में शिक्षक साथी है और इन्होंने भी बहुत सारे, खास तौर से प्राइमरी कक्षाओं में बहुत ज़बरदस्त इनका काम है। मैं इनके भी अनुभव कभी भविष्य में मौका मिलेगा तो ज़रूर सुनेंगे। और कुलदीप जी है टोंक से, और देवेंद्र जी, और जन सरोकार मंच के सभी दर्शकों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। नमस्कार।